नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ रूपाली गार्डनिंग रूप से। ये आप देख रहे हैं गुलाब का काटिंग। ये गुलाब का काटिंग मेरे हस्बैंड रेडी कर रहे लगाने के लिए। मैंने कुछ दिन पहले एक लॉन्ग वीडियो दिया था सिंगोनियम का। मैंने आप लोगों को बोला था मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं शिलोंग गई थी। शिलोंग से मैंने वो सिंगोनियम का प्लांट लाई थी। तो ऐसे ही हम लोग मतलब जाने के टाइम में रोड साइड में देखा एक बहुत सा बहुत बड़ा ये गुलाब का पौधा था। तो हम लोगों ने देख के उसका काटिंग दो काटिंग लेके आया। हम लोग के पास कातर था। हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही करते, काटिंग साथ में ले, कातर साथ में ले लेते हैं। कहीं पे भी कुछ पौधा देखने को मिले तो लेके आते हैं। तो इसी तरीके से मिट्टी को साफ फंगिसाइड मिला के रेडी किया और उसके बाद रूट के लिए थोड़ा एलोवेरा जेल लगा दिया। लगा के तीन काटिंग ऐसे लगा दिया, देखते हैं। अभी तक तो मेरे हस्बैंड ने गुलाब का बहुत सारा काटिंग लगा लिया, एक भी सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अभी ये होता कि नहीं होता ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी देखते हैं, बारिश का टाइम है, बारिश भी हो रहा है। अभी हो गया तो ठीक ही है। अभी इसका कलर कैसा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने पौधा देखा तो दो काटिंग लेके आया। तो ऐसे करके तीन चार काटिंग लगा दिया एक महीने के बीच में। तो इसका रिजल्ट निकल ही जाएगा क्या होता है। देखिए बारिश, देखिए कितना बारिश हुआ है, पूरा पानी पानी है। आपको देख के अंदाजा लग ही गया शायद। ये देखिए, हम लोग जाने के टाइम में ऐसे साइड में रुका था, गाड़ी रुका तो देखा। मैंने बोला हस्बैंड को, ये वाला पौधा तो आप पिछले साल इसका पांच वेराइटी आपने नर्सरी से खरीद खरीद के लाए थे, देखा दुनिया भर का है। इतना सारा है, मैं पागल हो रहे, मतलब पूरा रोड साइड में पूरा भरती है। तो मैंने क्या किया, तीन चार काटिंग ले लिया और एक जड़ से उखाड़ लिया। देखते हैं, देखिए तो ये ग्रीन के बीच में व्हाइट व्हाइट शेड है। ये देखिए जड़ तो है इसमें, देखते हैं। और ये भी एक मिला मुझे, ये भी हस्बैंड बोला ये भी ले लो। ये पर्पल कलर छोटा छोटा खिलते हैं, तो वो भी लेके आया। देखते हैं, लाने के बाद आपका एक दिन तो रह गया, कुछ कर नहीं पाया। तो दूसरा दिन देखते हैं, एक गेंदे का तो काटिंग मर ही गया। ये काटिंग एक टुकड़ा मर एक काटिंग मर ही गया। ये गेंदे का पौधा एक्चुअली क्या है, वहाँ पे एक लेक है, तो लेक के साइड में आपका मतलब झील है, झील के साइड में दुनिया भर का गेंदे का पौधा है। तो मैं तो मतलब क्या, मुझे लगा सारा ही लेके जाऊँ क्या, सारा तो ला नहीं सकते, डर भी लगा है कोई कुछ बोलेगा क्या। तो ऐसे इधर उधर इधर उधर देख के मैंने एक पौधा ही उठा लिया। अभी वहाँ पे इतना सारा है, मतलब क्योंकि वहाँ का मौसम अलग है, मतलब शिलोंग का मौसम जैसे कश्मीर का जैसा हो गया, मतलब 12 महीना ठंडा रहता है वहाँ पे, 12 महीना ठंड रहता है। इसलिए तो हम लोग के यहाँ पे विंटर में जो फ्लावर खिलते हैं वहाँ पे 12 महीना खिलते रहते हैं। हम लोग के यहाँ पे जब सर्दी आएगा तभी खिलते हैं, नहीं तो नहीं खिलते हैं। तो इसीलिए शायद वहाँ पे गेंदा का इतना सारा है ना, क्या बोलूँ मैं, शायद आपका फूल खिलने के बाद फूल से तो दुनिया भर का बीज निकलते हैं, वो गिरते गिरते शायद चारों तरफ से फैल गया, ऐसा ही हो सकता है। तो फिलहाल मेरे पास गमला खाली नहीं है, एक पॉली बैग में ये मैं बड़ा वाला गेंदे का पौधा लगा दूँगी। ये बस जाए तो ठीक ही है, बसना तो सही है, जड़ भी है और इन दिनों बारिश भी हो रहा है, गेंदा का पौधा तो आसानी से बस जाता है। देखते हैं, बस जाए तो ठीक ही है। ये लोकल वाला है, ये हाइब्रिड वाला नहीं है, ये देसी वाला है। ये और डबल है, इसका फूल इसका डबल है, एक खिला हुआ था मैंने देखा था। तो इसी तरीके से मैंने पॉली बैग में गेंदे का पौधा लगा दिया और ये वाला जो बकेट है ये प्लास्टिक का, ये
ये बिस्किट का कंटेनर था। तो यहाँ ये इसका नीचे शेड नहीं है, तो मैं इसमें पानी कम दे दे के सारा काटिंग इसमें लगा दूँगी। हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी बाहर निकलते हैं तो रोड साइड में कुछ भी पौधा देखते हैं तो लेके आते हैं, लगाते हैं। कोई कोई सक्सेस होता है, कोई कोई नहीं होता है। इसी तरीके से मैंने बीच में एक बोगनवेलिया का शॉर्ट वीडियो दिया था, वो काटिंग भी हम लोगों ने ऐसे रोड साइड से काटिंग लाया था, काट काट के लगाया था। उसमें से कुछ बच गया, कुछ तो नहीं बचा। तो इस तरीके से सारा काटिंग यहाँ पे लगा दूँगी। और गेंदे का नीचे से जो काटिंग मैंने काट के रखा था उसको भी लगा दूँगी। और ये पर्पल वाला है उसको भी लगा दूँगी। पर्पल वाला भी शायद बचेगा, उसमें अभी जड़ है, वो पौधा इतना ये नहीं है, बच जाता है, इजीली ग्रो होता है शायद। उसमें बहुत इसमें जब बहुत सारा फूल खिलते हैं ना अच्छा लगता है। लेकिन तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ये वीडियो? मैं हम लोग ऐसे ही करते हैं, जिसको पौधे पसंद है कहीं से भी उठा के लेके आते हैं, कोई भी पौधा हो, बस मिलने से दिल खुश हो जाता है, कहीं से भी लेके आते हैं। तो इसमें पानी में थोड़ा बूंद बूंद ही डालूँगी क्योंकि नीचे में शेड नहीं है, तो इसीलिए। तो इसका भी अपडेट लाऊंगी, मैं देखती हूँ सक्सेस होने से मैं लाऊंगी, सक्सेस नहीं होने से नहीं लाऊंगी। तो सक्सेस होने से आप लोग मोटिव होंगे, नहीं तो कैसे होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही है मेरे वीडियो में, मिलते तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।